हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपना ग्रीन टेरेस में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा मल्टीपल ग्राफ्टेड गुड़हल का पौधा। इस पौधे में मैंने चार तरह के गुड़हल की ग्राफ्टिंग की हुई है। वैसे ग्राफ्टिंग करने की बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो है भी ग्राफ्टिंग। अगर आप भी ग्राफ्टिंग के द्वारा पौधा तैयार करना चाहते हैं तो मेरा यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह गुड़हल के पौधे की ग्राफ्टिंग पे मेरा पहला वीडियो है। तो ये देखिए, ये मेरा सिंगल फ्लावर का लाल रंग का ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है। इसकी ग्राफ्टिंग मैंने यहाँ से की हुई है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की है और इसमें बहुत सारे कली और फूल आ रहे हैं। और ये मेरा गुच्छे वाला लाल रंग का ही पौधा है। आप देख सकते हैं इसके पत्ते भी अलग तरह के हैं, इसमें भी बहुत सारे कली आ रहे हैं, फूल भी खिले हुए हैं। ये देखिए कली आ रहे हैं, इनमें बहुत सारे कली हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। इसकी ग्राफ्टिंग मैंने यहाँ नीचे किया हुआ है। इसमें मैंने साइड ग्राफ्टिंग किया हुआ है, जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। और ये पौधा अभी छोटा है, इस वजह से इसमें मैंने धागे से बांध रखा है ताकि वजन के कारण पौधा टूट ना जाए। बाद में पौधा ग्रो कर जाएगा तो इसे काट दूंगा। और तीसरा ग्राफ्टिंग जो है, देखिए यहाँ से मैंने किया है, ये भी ग्राफ्टिंग है। इसमें मैंने वाइट कलर के गुड़हल के पौधे की ग्राफ्टिंग की हुई है। इसमें भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं, बहुत सारे कली हैं, आप देख सकते हैं। पौधे में मैंने चार ग्राफ्टिंग की थी और चारों ही तरह के फूल इनमें खिले हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ये पिंक कलर का है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और कली भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी बहुत आसानी से किसी भी पौधे में भी ग्राफ्टिंग के द्वारा मल्टीपल ग्राफ्टेड पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ भी ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये मेरा पार्ट वन वीडियो है। जल्द ही मैं दूसरा पार्ट लाने वाला हूँ। अगर आपके पास गुड़हल का पौधा है और उनमें ढेर सारे ब्रांच निकले हुए हैं तो उनमें आप भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पौधा नहीं है तो भी आप मल्टीपल ग्राफ्टेड पौधा प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसका वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूं। तो मेरा पार्ट टू देखना ना भूलें। तो आइए देखते हैं भी ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।
फ्रेंड्स, मैंने गुड़हल के पौधे में, इस पौधे में जो मैंने ग्राफ्ट किया था, आज उसके पूरे 21 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अब बारी है इसे खोल कर देखने की कि मेरा जो ग्राफ्ट है वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले मैं इसे खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरा ग्राफ्ट सक्सेसफुल रहा है या नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो गुड़हल के पौधे में ग्राफ्ट किया था वो सक्सेसफुल रहा है। और अभी तो इसके 21 दिन पूरे हो चुके हैं और इनमें नए नए बर्ड आ गए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। और समय जैसे जैसे बीतता जाएगा ये बर्ड 1 महीने 2 महीने में बड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ से जो मैंने ग्राफ्ट किया है इसके नीचे जितने भी ब्रांच हैं सारे ब्रांच को हमें काट देना होगा। जो भी ब्रांच बढ़ेगा ये ऊपर से बढ़ेगा, तो इसे हमें पहले काट देना है और हमें इसे हमेशा काटते रहना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास एक ब्रांच था, इस वजह से मैंने एक ग्राफ्ट किया इसमें। और ये देखिए, ये अभी छोटे छोटे ब्रांच हैं, ये भी है, ये भी है। तो ये ब्रांच जब बड़े हो जाएंगे तब इनमें हम अलग से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ग्राफ्टिंग है ये इसे भी ग्राफ्टिंग कहते हैं। और भी ग्राफ्टिंग से अगर किसी पौधे में आप ग्राफ्ट करते हैं तो सक्सेसफुल होने का चांस 90% रहता है। तो आप भी आसानी से किसी भी पौधे में, चाहे वो गुड़हल का पौधा हो चाहे और कोई भी पौधा हो, आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि भी ग्राफ्टिंग की मदद से मैंने कैसे पौधे को तैयार किया। तो आप भी बहुत आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मल्टीपल ग्राफ्टेड पे, ये गुड़हल के पौधे में मल्टीपल ग्राफ्टिंग पे ये मेरा पहला वीडियो था। दूसरा पार्ट मैं इसके बाद डालूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं उसे भी डालता तो वीडियो लंबी हो जाती। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। धन्यवाद।